नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू यूनिट नंबर 2 ऑफ ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ्स को किस तरह से मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि जब भी किसी ग्राफ के ऊपर कोई एल्गोरिथम कंप्यूटर में चलानी होती है तो ग्राफ को पिक्टोरियल वे में उसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर करना सुटेबल रहता है। ग्राफ को किसी और रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो कि कंप्यूटर आसानी से पढ़ पाए, उस जरिए अगर हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफ के ऊपर आसानी के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के। सबसे सुटेबल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, और कई सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम लोग ग्राफ को मैट्रिक्स रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मैंने कुछ तरीके बोर्ड पर लिखे हैं। पहला है इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ग्राफ। फिर हम सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी किसी ग्राफ का कर सकते हैं, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी ग्राफ का कंप्यूटर में, और अंत में पाथ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। हर रिप्रेजेंटेशन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना अपना प्लस है, अपना अपना माइनस है। फॉर एग्जांपल, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हीं ग्राफ का हो पाता है जिन ग्राफ के अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होता है। इसके अगेंस्ट में एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन ग्राफ का हो पाता है जिन ग्राफ के अंदर पैरेलल एजेस नहीं होती हैं। तो हर ग्राफ की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं, तो एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस को एक साथ करके हम किसी एक ग्राफ की सभी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठा करके कंप्यूटर को हम बता सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि ग्राफ एक्चुअल में क्या है। पिक्टोरियल फॉर्म में हम ग्राफ को कम ज़रूरत नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर फीड करने की। तो आइए सबसे पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे और एक एक करके सभी रिप्रेजेंटेशंस को लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। मैंने जैसा आपसे कहा शुरुआत में ही, ये एक ऐसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा जिस ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप नहीं होगा। आपको मैंने पहले बताया था सेल्फ लूप का मतलब है ऐसा एज जो वहीं उसी वर्टेक्स से स्टार्ट होकर के उसी वर्टेक्स पर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में मैं V3 वर्टेक्स पर अगर एक एक्सी एज बना दूं जो वहीं से जा करके और वहीं ख़त्म हो जाए, इस एज को हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप है तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन उस ग्राफ का नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो ग्राफ लिया है एग्जाम्पल, उस ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं लिया है। तो पहली चीज, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर सेल्फ लूप फ्री ग्राफ्स, सेल्फ लूप फ्री ग्राफ्स। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसका मैं इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख करके दिखाऊंगा। पहले हम परिभाषित कर लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को। इंसिडेंस मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? ये एक n क्रॉस e का मैट्रिक्स होता है, और अगर कहूं तो 0-1 मैट्रिक्स है ये, एन क्रॉस ई इसके डायमेंशंस हैं, और मैट्रिक्स जो है वो ये 0-1 का मैट्रिक्स है, यानी कि बाइनरी मैट्रिक्स है, या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 और 1 का बाइनरी मैट्रिक्स है। एन क्रॉस ई इसके डायमेंशंस होंगे, एन क्रॉस ई इसके डायमेंशंस होंगे, जहां पर एन रोज होंगी और ई एजेस होंगे।
मेरे ग्राफ के अंदर n वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं, n वर्टिसेस की संख्या है और e एजेस की संख्या है। इसका डिनोशन हम जनरली a लेटर से करते हैं, और ग्राफ को अगर हम g कहें तो हम कहेंगे a ऑफ g, मींस इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ g। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं इसके, a i j, a i j मींस i jth एलिमेंट ऑफ दिस इंसिडेंस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज टू बी वन इफ jth एज इज इंसिडेंट ऑन अपॉन विद ith वर्टेक्स, इफ jth एज मीट्स ith वर्टेक्स, जीरो अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं है तो वहां हम एंट्री क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले इसका ग्राफ लिख कर, इस ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख करके देखते हैं और फिर से परिभाषा पर आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। इस ग्राफ का अगर मुझे ए जी लिखना है, ए ऑफ जी मतलब क्या है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में इस ग्राफ का लिखने जा रहा हूं, तो उसके डायमेंशन आप बताएंगे कितने होंगे, एन क्रॉस ई, एन वर्टेक्स की संख्या, कितने वर्टेक्स हैं मेरे इस ग्राफ के अंदर, एक दो तीन चार पांच और छह, यानी छह रोज होंगी मेरे इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर, सिक्स क्रॉस जितनी एजेस हैं इसमें, एजेस कितनी है इसमें, आठ एजेस दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। तो इस मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा वो सिक्स क्रॉस एट का होगा, छह रोज होंगी और आठ कॉलम्स होंगे। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। रोज कौन बना रहा है, वर्टिसेस बना रहे हैं, तो मैं रोज में वर्टिसेस को लिख देता हूं, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव एंड वी सिक्स, और कॉलम कौन बना रहा है मेरा, एजेस बना रही हैं, तो यहां पर मैं एजेस लिख देता हूं, ई वन ई टू ई थ्री, थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूंगा इसे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, मैं यहां ए जी लिख रहा हूं, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स, सिक्स वर्टिसेस हैं हमारे पास, वी सिक्स, और ई वन ई टू ई थ्री E4, E5, E6, E7 और E8, आठ एजेस हैं हमारे पास, सिक्स क्रॉस एट का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिएगा वन कहां आएगा, अब ये एंट्री क्या कहलाती है मैट्रिक्स में, ये एंट्री कहलाती वन वन, ये एंट्री कहलाती वन टू, ये एंट्री कहलाती वन थ्री, ये एंट्री कहलाएगी थ्री टू, ये एंट्री कहलाएगी टू फाइव, फाइव टू एंट्री, राइट। So, अगर मैं वन वन एंट्री की बात करूं तो क्या मेरी ई वन वी वन के ऊपर मिलती है, अगर मिलती है तो वन डेफिनेशन के मुताबिक, और नहीं मिलती है तो जीरो। क्या था, वन इफ jth एज मीट्स ith वर्टेक्स, ठीक है, jth एज मीट ith वर्टेक्स, तो ई वन क्या मेरी ई वन वी वन पर मिल रही है, हां मेरे ग्राफ में मिल रही है, तो यहां पर एक आएगा, ना मिल रही होती तो जीरो आता। E2 क्या V1 से मिल रही है, E2 V1 से मिल, E2 V1 से नहीं मिल रही है, E2 कहां मिल रही है, V2 से मिल रही है। E3 क्या V1 से मिल रही है, E3, E3 भी V1 से नहीं मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम उल्टा देखें कि V1 पर कौन कौन सी एजेस मिल रही हैं, वहीं पर वन एंट्री कर दें। So, E1 पर, V1 पर खाली एक E1 मिल रही है, बाकी कोई भी नहीं मिल रही, तो मैं बाकी की एंट्री क्या कर लिख दूंगा, यहां पर जीरो लिख दूंगा। ऐसे ही V2 को देखूंगा, V2 पर कौन कौन सी एजेस आकर के मिल रही हैं, और जैसे ही वो मुझे पता चल जाएगा वहां एंट्रीज वन लिख दूंगा और बाकी एंट्रीज को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो देखिए E1, E2, E7 और E8, तो E1, E2, E7 और E8 पर 1 कर दिया और बाकी सभी एंट्रीज को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया।
इसी प्रकार से V3 में अगर मैं देखूं तो V3 में सिर्फ 6 और 7 मिल रही हैं, इसका मतलब E1 एंट्री 0, E2 0, E3 0, E4 0, E5 0, E6 1, E7 1, लेकिन E8 0। इसी प्रकार से V4 में आप अपने आप कर सकते हैं E5, E6 और E8, तो ये 0, ये 5 से मिलनी शुरू हो रही हैं, तो 5 1, 5 6, 7 0 है और 8 मिल रही है जो कि 1 है। ऐसे ही V5 में अगर आप देखेंगे तो V5 पर मिल रहा है E2, E3, E4 और E5। सो E1 0 हो जाएगी, E2, E3, E4, E5, E2, E3, E4 और E5 हो जाएंगी और बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से V6 की अगर आप बात करें तो V6 पर खाली E3 और E4 मिल रहा है, तो E3 और E4 को मैं 1 करूंगा और बाकी सभी को 0 कर दूंगा। अब ये 0 और 1 मैट्रिक्स जो निकल करके आया है ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ विच ग्राफ? ऑफ द ग्राफ विच इज ड्रॉन हेयर। अब अगर मैं इस ग्राफ को हटा लूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसी मैट्रिक्स से मुझे पता चल जाएंगी। ये कहलाएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कॉलम में दो जगह 1 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कॉलम में सिर्फ दो जगह 1 आ रहा है, तो ये एक तो चेक पॉइंट भी हो सकता है आपका कि जब आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखा हो तो अगर किसी कॉलम में 2 से ज्यादा बार 1 आ रहा हो, इसका मतलब आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स गलत है। 2 जगह 1 आने का क्या मतलब है? हर एज 2 जगह जाकर के मिलती है, 2 वर्टिसेस पर जाकर, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। कोई सी भी आप एज उठा लो, E7 आप उठा लो, V2 से मिल रही होगी और V3 से मिल रही है। आप कोई सी और उठा लो, E8 उठा लो, V4 से मिल रही है और V2 से मिल रही है। आप कोई और उठा लो, E4 उठा लो, V6 से मिल रही है और V5 से मिल रही है। तो हर एज 2 जगह जाकर के मिलती है और इस वजह से हर कॉलम में एग्जैक्टली 2 जगह पर 1 एंट्री आएगी। अच्छा, अगर हम किसी भी रो में जितने 1s हैं उन सबको जोड़ दें तो मुझे क्या मिलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। V4 वाले रो में मैं सभी 1s जितने आ रहे हैं जोड़ दूं, 1, 2, 3, तो V4 में 3 1 आए। जरा मैं यहां आकर के देखूं कि V4 में क्या है। V4 में 3 एजेस मिल रही हैं, इस वजह से वहां पर 3 1 आए। और जितनी एजेस मिलती हैं उसको उस वर्टेक्स का क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। दैट मींस अगर मुझे ये ग्राफ ना भी दिया हो तो मुझे V4 की डिग्री अगर इस मैट्रिक्स से निकालनी है तो मैं तुरंत निकाल सकता हूं कि V4 की डिग्री 3 है। कैसे निकालूंगा? रो के अंदर सभी 1 को काउंट कर लूंगा। अब देखिए, V1 के अंदर काउंट कीजिए, V1 की डिग्री कितनी है? 1, देख लीजिए यहां 1 है। V2 के अंदर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, V2 की डिग्री 1, 2, 3, 4 है। आप V3 के देख लीजिए, 2, V3 की डिग्री 2 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो रो को जोड़ लो तो टोटल डिग्री मिल जाती है उस वर्टेक्स की। हर कॉलम में 2 जगह 1 आ रहा होता है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे इंसिडेंस मैट्रिक्स की, और वो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 कॉलम एकदम एक समान है, एकदम एक समान, जहां 0 इस कॉलम में है वहीं उस जगह 0 है, जहां 1 यहां है वो 1 वहां है, अगर ऐसे कोई 2 कॉलम्स हैं तो वो दोनों एजेस एक दूसरे के पैरेलल एज हैं। वो दोनों एजेस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल एजेस हैं। अब आप देखिएगा जरा E3 को ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 0 1 1, यानी कि 4 times 0 फॉलोड बाई 2 times 1। E4 को देखिए, 1 2 3 4, 4 times 0 फॉलोड बाई एग्जैक्टली सेम। E3 और E4 एग्जैक्टली सेम। यहां आइएगा जरा, E3 और E4 पैरेलल एजेस हैं। तो अगर मुझे ग्राफ भी ना दिया हो और खाली मैट्रिक्स दिया हो तो मैं खाली मैट्रिक्स को देख करके यह पता कर लूंगा कि इसके अंदर कोई पैरेलल एज है या नहीं है। इसके अलावा और कोई पैरेलल एज इसमें दिखाई नहीं दे रही है, वही मेरा मैट्रिक्स भी बता रहा है। सो ये इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है दिए हुए ग्राफ का, और ये तरीका है किस तरीके से मैं किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक्स को किसी दिए हुए ग्राफ में से
बना सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स सेल्फ लूप फ्री ग्राफ का होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि सेल्फ लूप वाले ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओ, आप उसमें लिखेंगे नॉट पॉसिबल, या ये लिखेंगे सेल्फ लूप कैन नॉट बी शोन इन द इंसिडेंस मैट्रिक्स, कोरिस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। एक और चीज है, ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है। अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ हो तो उसका भी हम इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के, और तब मैं अगले मैट्रिक्स की तरफ चलूंगा। सपोज ये एक छोटा सा आपका ग्राफ है v1 v2 v3 और v4, जिसमें E1, E2, E3 और E4 एजेस हैं। ये कनेक्टेड ग्राफ है, इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स मैंने आपको लिखने को बोला AG, इस ग्राफ का नाम दिया मैंने AG1, इस ग्राफ का नाम दिया मैंने G1, तो इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा G1। आप तुरंत कहेंगे डायमेंशंस होंगे 4x4 के, ठीक है, 4x4 बोले तो V1, V2, V3, V4 रोज होंगी, E1, E2, E3 और E4 कॉलम्स होंगे। और फटाफट भर देते हैं हम इसको, V1 पर E1 और E2 मिल रहा है, V1 पर E1 और E2 मिल रहा है, खत्म कर दिया। V2 पर E2 और E3 मिल रहा है, V2 पर E2 और E3 मिल रहा है, जीरो। V3 पर E3 और E4 मिल रहा है, E3 और E4 मिल रहा है, जीरो। और V4 पर E1 और E4 मिल रहा है, E1 और E4 मिल रहा है। ये क्या हो गया, इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गया। अगर इसी ग्राफ को मैं कहूं कि ये ग्राफ एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, एक और मैं इसमें एज ले लूं V5 V6 और उनके बीच में जो एज का नाम है वह E5 दे दूं, और अब मैं कहूं कि ये एक पूरा ग्राफ है। क्या है ये एक पूरा ग्राफ है जी, जिसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, याद होगा आपको, डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ का मतलब V3 से V5 आप नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्राफ एक ही है, उन दोनों के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ का हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसा यहां लिखा जा रहा है। नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस आप बढ़ा दीजिए यहां भी, V5 और V6 और कट दीजिएगा, ठीक हो गया। एक एज और बढ़ गई है, आप भी बढ़ा दीजिएगा यहां एक एज, E5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लीजिएगा E5 किसके ऊपर इंसिडेंट है, 5 और 6 के ऊपर इंसिडेंस है। यहां होगी नहीं, यहां होगी नहीं, यहां होगी नहीं, यहां होगी नहीं, 5 के ऊपर होगी और 6 के ऊपर होगी, और ये बाकी सब एंट्रीज जीरो होंगी। जैसा कि हमने अभी तक एंट्रीज भरी, वो सब हमने एंट्री यहां पर भी फिल कर दी। तो ये हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द न्यू ग्राफ AG। यहां तक बिल्कुल बेसिक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए खूबसूरती क्या है इसकी, अगर मैं इस मैट्रिक्स को डिवाइड करूं, ये देखिए मैंने डिवाइड किया, ध्यान से देखेंगे, ये डिवाइड किया मैंने, आप ये देखिएगा कि ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, कोई वन नहीं है इसमें, और ये जो नीचे है ये देखिए ये भी जीरो मैट्रिक्स है, इसमें इस हिस्से में कोई भी वन नहीं है, यानी कि ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसी फॉर्म को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहा जाता है ब्लॉक डायगोनल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, जिसमें कोई सा भी डायगोनल, चाहे ये वाला हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं, चार में से कोई दो जीरो हो, तो ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लॉक डायगोनल फॉर्म। तो अगर कोई भी इंसिडेंस मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब उसका ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड है। उसका ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड है, और अगर नहीं लिखा जा सकता है तो उसका ग्राफ कनेक्टेड है।
तो डिस्कनेक्ट की चेक करने के लिए मैट्रिक्स से कैसे होगा, आप मैट्रिक्स में परमिटेशन में कम्बिनेशन बना करके उसको ब्लॉक डायगनल फॉर्म में लिखेंगे, और जैसे ही ब्लॉक डायगनल फॉर्म लिख गया आप तुरंत कह देंगे कि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अगर मैं इस हिस्से को G1 कहूं और इस हिस्से को G2 कहूं, तो डेफिनेटली ये वाला मैट्रिक्स जो होगा वो G1 का इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा, और ये वाला मैट्रिक्स जो होगा वो G2 का इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा। सो ब्लॉक डायगनल के अलावा दूसरे वाले डायगनल में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले का इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा और ये वाला दूसरे का इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है, कहाँ काम आती है, खाली इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हो, ग्राफ ना दिया हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या इस इंसिडेंस मैट्रिक्स वाले ग्राफ डिसकनेक्टेड हैं या कनेक्टेड हैं, तो आप तुरंत लिखेंगे, देखेंगे कि क्या ये ब्लॉक डायगनल फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, अगर तोड़ा जा सकता है तब डिसकनेक्टेड है, नहीं तोड़ा जा सकता है तो कनेक्टेड है। तो ये था आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके अगला टॉपिक आपका है सब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्राफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन ग्राफ। तो सपोज मेरे पास ये ग्राफ है कोई, से V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4 और E5। इस ग्राफ में बहुत सारे सब ग्राफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक सब ग्राफ ये भी है, सब ग्राफ हम आपको पहले बता चुके हैं, V1, V4, V3, E4, E1 और E5, ये इसका एक सब ग्राफ है। इसका एक सब ग्राफ ये भी हो सकता है, दिस इज अगेन ए सब ग्राफ ऑफ दिस, E2, E3, V2, V3 एंड V1। तो अगर इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स में लिख दूं तो कहलाएगा वो इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द सब ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ, अगर इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख दूं तो वो कहलाएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द सब ग्राफ ऑफ द गिवन ग्राफ। सो ये टॉपिक था, इस वजह से मैंने आपको कहा कि मैं बता दूं सब ग्राफ्स इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। Suppose there is a graph G and it is having two subgraphs in it, and if I am writing the incidence matrix of this subgraph and the incidence matrix of this subgraph, then those will be called as the subgraph incidence matrix of the given graph. Iska incidence matrix kya hoga? Quickly likh lete hain. V1, V3, V4. Iska ho jayega E1, E4, E5. Aur V1 par hai E1 aur E5. Aur V3 par hai E5 aur E4. और V4 पर है E1 और E4, ये हो जाएगा इसका सब ग्राफ इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और इसका हो जाएगा V1, V2 एंड V3 और E2 एंड E3, E2 एंड E3, और V1 पर आएगा E2 और V2 पर आएगा E2, E3 दोनों, और V3 पर आएगा खाली E3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद अगला रिप्रेजेंटेशन आता है हमारा सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन परिभाषित कर लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के साथ फिर परिभाषित करेंगे। सपोज बहुत प्लेन एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, V1, V2, V3 एंड V4, बीच में एक और एज है, एज को नाम दे दिए मैंने E1, E2, E3, E4 और E5। सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन is again a 0-1 matrix, is again a 0-1 matrix having q cross e dimensions. q क्या है यहां पर, q is the number of circuits
in given graph. And E is the number of edges in that particular graph. It is represented by letter B. So it is written as to be B is equal to Bij, where a particular element Bij is equal to 1 if jth edge is present in ith circuit. अभी बताता हूं इसका क्या मतलब है. जीरो अदरवाइज. चलिए पहले एग्जाम्पल वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद परिभाषा को फिर से देख लेंगे. ठीक है, यह ग्राफ दिया हुआ है, इसका मुझे सर्किट मैट्रिक्स लिखना है. तो पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि इस ग्राफ के अंदर कितने सर्किट्स हैं. क्यों? क्योंकि क्यू क्या है? नंबर ऑफ सर्किट्स इन द गिवन ग्राफ. अब आप बताइए इसमें कितने सर्किट्स हैं. मैं यहां सर्किट्स के नंबर लिख रहा हूं. सर्किट नंबर वन. सर्किट क्या है? एजेस हैं. कितनी एजेस होती हैं हर एक सर्किट के अंदर, वो मैं लिखे दे रहा हूं. तो सर्किट नंबर वन, ये सर्किट है V1, E1, V2, E2, V3, E5 क्लोज हो गया. तो दिस इज वन सर्किट विच इज प्रेजेंट इन द ग्राफ. एग्री? सो दिस सर्किट हैज गॉट एज E1, E2 एंड E5. एक सर्किट. और भी कोई सर्किट है? हां, एक सर्किट और है. कौन सा सर्किट है? देखिए, V1, E4, E3, V3, E5, V1. ये भी एक सर्किट है इसके अंदर. कौन कौन सी एजेस हैं उसके अंदर? E4, E3, E5. तो मैंने इनको भी लिख लिया, E3, E4, E5. सर्किट नंबर टू. कोई और भी सर्किट है इसके अंदर? अभी एक और है, बाहर वाला. देखिए, V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V1. एक और सर्किट बन गया इसके अंदर. तो दैट इज योर सर्किट नंबर थ्री. सो दैट इंक्लूड्स E1, E2, E3 एंड E4. इसके अलावा कोई और सर्किट नजर आ रहा है? इसके अलावा इसके अंदर कोई और सर्किट नहीं है. सिर्फ तीन ही सर्किट हैं. ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला क्वाड्रेंगल. ये तीन सर्किट्स हैं इसके अंदर. तो अब हमें यहां से क्यू पता चल गया. हाउ मेनी सर्किट्स आर देयर इन दिस ग्राफ? थ्री. तो इसके जो हम लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स बी लिखेंगे. बी जी मीन्स द सर्किट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ. दिए हुए ग्राफ का सर्किट मैट्रिक्स वो होगा. क्या डायमेंशन होंगे उसके? क्यू क्रॉस ई. क्यू क्या है? नंबर ऑफ सर्किट्स. नंबर ऑफ सर्किट्स इसमें कितने आए? तीन आए. तो थ्री क्रॉस हाउ मेनी एजेस आर देयर? कितनी एजेस हैं इसके अंदर? पांच एजेस हैं. तो थ्री क्रॉस फाइव का हो जाएगा ये. ठीक है, मैं जल्दी से यहां लिखे देता हूं. सर्किट नंबर वन, सर्किट नंबर टू, सर्किट नंबर थ्री. एजेस बन ये बन गए हमारे रोज, और एजेस बन गई हमारी कॉलम. E1, E2, E3, E4, E5. मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा यहां पर. और फटाफट लिख देते हैं E1 किस किस सर्किट में है. वहां 1, अदरवाइज 0. अब उल्टा चलते हैं. 1 में कौन कौन है? E1, E2, E5. E1, E2, E5 1 हो गए, बाकी सब 0 हो गए. सिंपल. E2 में कौन कौन है? 3, 4, 5. तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है. खत्म. सर्किट नंबर थ्री में कौन कौन है? E1, E2, E3, E4. 5 नहीं है. E1, E2, E3, E4, 5 नहीं है. ये जो सर्किट बना, ये सर्किट कहलाता है. ये मैट्रिक्स जो बना, ये मैट्रिक्स कहलाता है सर्किट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ. क्या डायमेंशंस हैं इसके? 3 क्रॉस 5. 3 क्रॉस 5 मीन्स 3 रोज 5 कॉलम्स. एक चीज में यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताता चलूं. ये 1, 2, 3 आपके अपने सुझाए हुए नंबर हैं. पहले सर्किट को आप अगर यहां इसको पहला सर्किट कहें और इसको दूसरा सर्किट कहें और इसको तीसरा कहें या इसको दूसरा कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ रोज इधर उधर हो जाएंगी, मैट्रिक्स वही रहेगा. तो इस चीज के मैं परेशान ना हूं कि किस सर्किट को हमें सर्किट नंबर 1 कहना है, किस सर्किट को हमें सर्किट नंबर 2 कहना है और किस सर्किट को हमें सर्किट नंबर 3 कहना है. आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं. आप किसी भी सर्किट को सर्किट 1 कहिएगा, किसी भी सर्किट को सर्किट 3 कहिएगा, किसी भी सर्किट को सर्किट 2 कहिएगा. वो आप स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं.
इसके साथ ही मैं सर्किट मैट्रिक्स की बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ और है, जब भी हम मैट्रिक्स की का जिक्र करते हैं तो मैट्रिक्स में रैंक एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, अभी मैंने इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको बताया, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स इज एन माइनस वन। इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो एन माइनस वन होती है, और जबकि रैंक ऑफ बी जी, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये रैंक क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। द थर्ड प्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। देखिए, सर्किट किसी भी दिए हुए ग्राफ में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल सर्किट बड़े लिमिटेड होते हैं। कैसे लिमिटेड होते हैं? अच्छा, एक और इन दोनों के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्किट मैट्रिक्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए और मॉड्यूलो टू हो, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है, चाहे किस तरफ से भी लिया जाए, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए या ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंसिडेंस मैट्रिक्स और सर्किट मैट्रिक्स के बीच में। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड सर्किट मैट्रिक्स ऑफ सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के दोनों चीजें लिखी जाएंगी, तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आता है आपका फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। जैसा मैंने बताया कि किसी भी दिए हुए ग्राफ में बहुत सारे सर्किट्स हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल सर्किट्स सीमित होते हैं। कितने फंडामेंटल सर्किट्स होते हैं किसी भी दिए हुए ग्राफ में? अगर आप याद करें, अगर n वर्टिसेस हैं किसी भी ग्राफ में और e एजेस हैं, n वर्टिसेस और e एजेस, तो फंडामेंटल सर्किट होंगे e माइनस n प्लस वन। क्यों? क्योंकि जितनी कॉर्ड्स होंगी उतने फंडामेंटल सर्किट्स होंगे। तो e माइनस एन प्लस वन कॉर्ड्स की संख्या होती है, उतने ही फंडामेंटल सर्किट किसी भी ग्राफ के अंदर होते हैं। तो फंडामेंटल सर्किट समझाने के लिए, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए मैं आपको ग्राफ ले रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको परिभाषित कर लेंगे। वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव। फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स भी एक जीरो वन मैट्रिक्स होता है। जितने भी मैट्रिक्स हम अभी बात कर रहे हैं वो सब जीरो वन मैट्रिक्स हैं, जीरो वन मैट्रिक्स होता है। इसके डायमेंशंस होते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट्स इन द गिवन ग्राफ क्रॉस ई। दिस इज नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट्स इन द गिवन ग्राफ, एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट हमेशा ई माइनस एन प्लस वन होते हैं। मैंने अभी बताया जितनी कॉर्ड्स की संख्या होती है उतने फंडामेंटल सर्किट होते हैं, और कॉर्ड्स कितनी होती हैं? ई माइनस एन प्लस वन, वेयर ई इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द गिवन ग्राफ। तो जो इसके डायमेंशंस होंगे वो होंगे ई माइनस एन प्लस वन क्रॉस ई। जीरो वन मैट्रिक्स होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बी सबस्क्रिप्ट एफ। बी वाज सर्किट मैट्रिक्स, बी सबस्क्रिप्ट एफ ऑफ द गिवन ग्राफ जी, राइट? एंड ए पर्टिकुलर एलिमेंट बी आई जे ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स इज रिटन एज टू बी, जैसे हम वहां लिखा था, वन इफ जे अर्थ एज इज प्रेजेंट इन आई अर्थ सर्किट। अगर आई अर्थ सर्किट में जे अर्थ एज है तो वहां जीरो एंट्री आएगी, जीरो होगा अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं है तो वह एंट्री जीरो आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से परिभाषा पे आ जाएंगे। ये मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया था, आप कहेंगे इसमें कहीं पर भी स्पैनिंग ट्री तो है ही नहीं है।
क्योंकि कॉर्ड्स हम कैसे निकालेंगे जब हमें स्पेनिंग ट्री दिया होगा, तो फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स हमेशा तभी निकाला जाएगा जब आपको स्पेनिंग ट्री दिए हुए ग्राफ में दिया हुआ होगा। तो एक स्पेनिंग ट्री मान लेते हैं, मैं बोल्ड लाइन्स में स्पेनिंग ट्री बना रहा हूँ, बोल्ड लाइन में स्पेनिंग ट्री बना रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर जो हम मान रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, माना कि ये एक स्पेनिंग ट्री है, बोल्ड लाइन्स में बना रहा हूं मैं आपको, दिस इज ए स्पेनिंग ट्री। ठीक है, मैं अगर एजेस के नाम लिख दूं तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। तो एक स्पेनिंग ट्री है जिसके अंदर ब्रांचेस हैं E1, E2, E3 और E6। मैंने पिछले लेक्चर में ब्रांचेस बताया था, जो एजेस स्पेनिंग ट्री के अंदर होती हैं वो ब्रांच कहलाती हैं, जो बाकी एजेस रह जाती हैं वो कॉर्ड्स कहलाती हैं। कॉर्ड्स कौन सी हैं? E7, E5 और E4, तीन कॉर्ड्स हैं इसकी। तो कितने फंडामेंटल सर्किट्स होंगे इसमें? जितनी कॉर्ड्स होंगी। ठीक है, कितनी कॉर्ड्स हैं? 1, 2 और 3। तो हम फंडामेंटल सर्किट्स लिख लेते हैं यहां पर। फंडामेंटल सर्किट नंबर 1, फंडामेंटल सर्किट नंबर 1, कोई सी एक कॉर्ड डाल दीजिएगा। कैसे फंडामेंटल सर्किट बनता है? एक कॉर्ड स्पेनिंग ट्री में डाल दीजिए, एक सर्किट बन जाएगा, वो सर्किट फंडामेंटल सर्किट कहलाता है। तो E4 माना लिया आपने, E4 को डाल दिया, बोल्ड लाइनों के साथ E4 को मिला दिया, अब एक सर्किट बन गया। जैसे E4 बोल्ड लाइंस के साथ आएगा, तो जैसे E4 आ गया यहां पर, तो ये देखिएगा, ये बोल्ड लाइंस और खाली ये कॉर्ड, तो एक सर्किट बन गया पूरा, ये यहां से यहां तक, जिसमें बाकी सब तो बोल्ड लाइन है लेकिन खाली जो मैंने मिलाई है वही एक कॉर्ड होगी। तो एक सर्किट हुआ E4, E3, E2, E6। E4 को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि E4 ने बनाया ये सर्किट। E4, E3, E2 और E6 एक सर्किट बन गया, फंडामेंटल सर्किट नंबर 2। अब E4 का काम खत्म हुआ, अब मैंने डाल दिया E7 को, E7 को इसके अंदर जैसे ही डाला बोल्ड में, तो बाकी सब बोल्ड, ये दो बोल्ड और तीसरी ये डालते ही सर्किट बन गया। तो E6, E1 और E7, तो E7 को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि E7 ने फंडामेंटल सर्किट बनाया, और उसके साथ कौन जुड़ गई बोल्ड में? E1 और E6। ऐसे ही फंडामेंटल सर्किट नंबर 3, अब कौन सी बची? E5 और बची अभी, तो E5 को और डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब E5 डालते ही दो बोल्ड, मतलब बाकी सब बोल्ड होनी है, तो ये बोल्ड और ये, तो ये क्या बना? फंडामेंटल सर्किट, यानी कि खाली ये ही एक बारीक रहनी है, बाकी सब बोल्ड होनी है। तो ये बोल्ड वाली ले ली मैंने, E2, E6 और E5। तो E5 को अंडरलाइन किया क्योंकि अकेले ये ही है जो कॉर्ड है, बाकी सब ब्रांचेस हैं। तो E2 और E6। इसके अलावा और कोई फंडामेंटल सर्किट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन ही कॉर्ड्स थी और तीनों कॉर्ड से हमने तीन फंडामेंटल सर्किट बना लिए। अब आप लिख लीजिएगा अपना BFG। BFG मींस फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। तो कैसे लिखा जाएगा? फंडामेंटल सर्किट नंबर 1, फंडामेंटल सर्किट नंबर 2, फंडामेंटल सर्किट नंबर 3, और इधर आ जाएंगी एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। अब देख लीजिएगा फंडामेंटल सर्किट नंबर 1 में कौन कौन सी एजेस हैं? E4, E3, E2, E6, E4, E2, E3 और E6, बाकी सब जगह आप 0 पुट कर दीजिए। नंबर 2 में 1, 6 एंड 7, बाकी सब में 0। देख लीजिएगा फिर से, इफ jth एज इज प्रेजेंट इन ith सर्किट, इफ jth एज इज प्रेजेंट इन ith सर्किट, jth मतलब E3 1 में प्रेजेंट है तो 1 और नहीं तो 0। तो देख लो, E3 1 में प्रेजेंट है, E3 1 में प्रेजेंट है तो हमने 1 लिखा, E1 प्रेजेंट है नहीं है तो हमने क्या लिखा? 0 लिखा। तो ये परिभाषा के मुताबिक आ जाएगा। ऐसे E3 में 2, 5 एंड 6, सो दिस इज कॉल्ड योर फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसकी रैंक
क्या हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, फंडामेंटल सर्किट किसी भी ग्राफ में कम होते हैं और सर्किट उस ग्राफ में ज्यादा हो सकते हैं। अगर यहीं की बात करूं तो कितने फंडामेंटल सर्किट्स बने? 3 बने। लेकिन अगर मैं सर्किट्स की बात करूं तो सर्किट तो इसमें बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, फिर ये 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 सर्किट, ये कम से कम 20 सर्किट इसके अंदर बन जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स BFG, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ सर्किट मैट्रिक्स। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? सर्किट मैट्रिक्स बड़ा है। सर्किट ज्यादा होंगे, फंडामेंटल सर्किट्स कम होंगे। सर्किट्स बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन फंडामेंटल सर्किट कम है। तो कौन सा मैट्रिक्स बड़ा होगा? सर्किट मैट्रिक्स बड़ा होगा, क्योंकि उसके उसमें ये नंबर ज्यादा होंगी, जबकि फंडामेंटल सर्किट में यहां लिमिटेड होगा। तो हम रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स सबसेट छोटा है सर्किट मैट्रिक्स के मुकाबले में। तो ये कहने इसका मतलब हुआ कि जो सर्किट मैट्रिक्स की रैंक है, मैट्रिक्स जैसे ही हम मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं तो रैंक की बात आ जाती है, तो जो रैंक है, रैंक ऑफ दिस सर्किट मैट्रिक्स BG विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। रैंक ऑफ सर्किट मैट्रिक्स हमेशा बड़ी होगी फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स की रैंक से, और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स की रैंक होती है E-N+1। हमेशा फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स की रैंक E-N+1 होती है। तो इसका मतलब हुआ कि सर्किट मैट्रिक्स की रैंक E-N+1 से हमेशा हमेशा ज्यादा होगी। एक्चुअल में होगी कितनी? ज्यादा होगी तक तो ठीक है, लेकिन होगी कितनी? कितनी ज्यादा होगी? +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। तो यहां पर हमें एक जरूरत पड़ेगी एक थ्योरम की, जिसका नाम है सिल्वेस्टर्स थ्योरम। शायद आप लोगों को पता हो कि सिल्वेस्टर थ्योरम क्या होती है। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दूंगा सिल्वेस्टर्स थ्योरम का। अगर कोई दो मैट्रिक्स, मैं यहां सिल्वेस्टर्स थ्योरम यहां लिखे देता हूं, अगर कोई दो मैट्रिक्स पी और क्यू मल्टीप्लीकेटिव हैं का मतलब इनर डायमेंशन दोनों मैट्रिसेस के सेम है, यानी कि माना कि के का इनर डायमेंशन, के के डायमेंशन हैं के क्रॉस एन, और क्यू के डायमेंशन हैं से एन क्रॉस पी, मान लिया थोड़ी देर को, दोनों मल्टीप्लीकेटिव हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो जीरो आता है। तो सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है कि रैंक ऑफ पी प्लस रैंक ऑफ, यानी कि रैंक ऑफ पहला मैट्रिक्स और रैंक ऑफ दूसरा मैट्रिक्स, ये दोनों कभी भी इनमें से जो कॉमन डायमेंशन है उस कॉमन डायमेंशन से ज्यादा नहीं हो सकते। सो रैंक ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस रैंक ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द कॉमन डायमेंशन। एंड व्हाट इज कॉमन डायमेंशन हियर? के क्रॉस एन एंड एन क्रॉस पी, एन इज द कॉमन, सो एन। अब हम अपना देखते हैं जरा, हमारा एक है इंसिडेंस मैट्रिक्स ए और दूसरा है हमारा सर्किट मैट्रिक्स बी, और मैंने बताया था कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। और जरा डायमेंशन देखिए आप, ए के डायमेंशन याद करें एन क्रॉस ई हैं, और बी के डायमेंशंस देखिएगा आप क्या हैं? क्यू क्रॉस ई। तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज ले लेता हूं तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ई क्रॉस क्यू। ट्रांसपोज में उल्टे हो जाते हैं हमेशा डायमेंशंस। तो इसके डायमेंशंस हो गए एन क्रॉस ई, इसके डायमेंशंस हो गए ई क्रॉस क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। तो इसका मतलब सिल्वेस्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी, सिल्वेस्टर्स थ्योरम की एप्लीकेशन हो जाएगी। तो यहां मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सिल्वेस्टर्स थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है? पहले की रैंक
प्लस दूसरे की रैंक. तो पहले की रैंक अकॉर्डिंग टू सिल्वेस्टर्स थ्योरम, रैंक ऑफ ए इंसिडेंस मैट्रिक्स प्लस रैंक ऑफ बी सर्किट मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज की भी रैंक वही होगी और ओरिजिनल की भी रैंक वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंक से. तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी टी, अगर मैं यहां टी हटा भी देता हूं तब भी सेम चीज रहेगी, बिकॉज एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट वी नो दैट बाय ओनली ट्रांसपोजिंग ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स द इफेक्ट ऑन रैंक इज नलिफाइड. सो रैंक ए प्लस रैंक बी विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू द कॉमन डायमेंशन. यहां कॉमन डायमेंशन क्या है? ई है. तो द कॉमन डायमेंशन इज योर ई. So, as per Sylvester's theorem, rank of first matrix plus rank of second matrix will always be less than or equal to the common dimension E. अब हमें पता है कि rank of A क्या है? N minus 1 है. हम पहले ही जान चुके हैं. तो यहां हमने N minus 1 लिख दिया plus rank of B is less than or equal to E. Therefore, rank of B will be less than or equal to E minus N plus, इसको उधर ले गए, e माइनस एन प्लस वन. ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. जरा ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन जी सिर्फ डिनोट कर रहा है ग्राफ के लिए. जी क्या डिनोट कर रहा है? सिर्फ ग्राफ के लिए डिनोट कर रहा है, जी का और कोई मतलब नहीं. तो रैंक ऑफ बी, ये इक्वेशन कह रही है कि रैंक ऑफ बी किसी चीज के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए. दूसरी इक्वेशन कह रही है रैंक ऑफ बी उसी चीज से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू एग्री कर रही हैं, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, बराबर होगी. देयरफॉर द रैंक ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम वन एंड टू, रैंक ऑफ बी इज ना ज्यादा ना कम बल्कि ई माइनस एन प्लस वन ही होगी. हेंस रैंक ऑफ बी इज e माइनस एन प्लस वन. तो देखिए इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा n माइनस वन होती है और सर्किट मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो e माइनस एन प्लस वन होती है. यहां हम खत्म करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को और सर्किट मैट्रिक्स को. इसके अगले वाले पोर्शन में हम लोग लेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, पाथ मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स. किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर जो है thipendra@gmail.com. आप अपने क्वेश्चन लिखेंगे, मैं उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा. थैंक यू.